अशोकराव पण संसद बनले म्हणजे काय मंडाला को इसलिए हमने सोचा कि अभी अपन तो पहले के जैसा ही नहीं करेंगे जो आज करना पड़ा हमको और हमने कहा कि हम राजीव आवास के तहत प्रपोजल करें इसलिए हमने यही प्रपोजल पूरा बदल कर राजीव आवास के तहत डाला उसके पैरामीटर्स और फ्रेमवर्क के आधार पर और राजीव आवास के लिए फिर हर बार देश भर के संगठनों का भी हमारा समन्वय है जो शहरी गरीबों का अलग है किसानों का अलग है आदिवासियों का उनको लेकर बातचीत चली तो शैलजा जी उनके अधिकारी ने कितने लोगों के साथ है ना तो वो सब होने के बाद उस पर प्रतिक्रिया नहीं क्रिया नहीं तो फिर आखिर में हम लोग जब 2013 में बड़ी संख्या में निकले क्योंकि चर्चा तो हुई हर बार और हर बार ये आश्वासन मिलता रहा कि नहीं कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है। आपको बताऊं कि 2013 में जब हमने बहुत बड़ा जुलूस निकाला ये इस प्रकार से हमने कवर ये है लेकिन अंदर की अलग बात है राजीव आवास योजना तो फिर हम लोगों ने मानखुर्द से हम चल के जाकर पूरा मंत्रालय में ही दिया अब मंत्रालय में उसके पहले ही हमको ये 2000 का आश्वासन तो बहुत पहले ही मिला पहले ही लड़ाई में 2006 में 2000 की कट ऑफ डेट का हमको आश्वासन मिला था लेकिन उसका भी सही अमल नहीं हुआ था कोई यहाँ 110 लोगों को दिया और वहाँ 400 लोगों वो गलत था उसमें भ्रष्टाचार भी हमने दिखाया वगैरह वगैरह डिप्टी कलेक्टर ऑफिस ने ही किया था तो 2000 के कट ऑफ डेट भी नहीं मान रहे थे जिसके पीछे हम पड़े थे तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में गई वहाँ हम इंटरवीनर से आज भी घर बचाओ घर बनाओ अभी हमारे भी एडवोकेट्स की पूरी सुनवाई हो चुकी है मैंने ख्याल से निर्णय बाकी है तो 2000 तो अभी हुआ 2014 में चुनाव के मद्देनजर हुआ है ना उसका नोटिफिकेशन निकाला जुलाई तक लेकिन उसका अभी तक अमल नहीं एक वो भी बात आधी छोड़ी अब राजीव आवास के बारे में इतनी चर्चाएं हुई जबकि हम लोग ये बड़ा जुलूस लेके गए 8-10 हजार का तब वहाँ हम लोग 10 दिन रहे तो एक एक 2000 की चर्चा 2 जनवरी की चर्चा से लेकर ये 8 जनवरी 10 जनवरी हर एक की चर्चा में आप देखेंगे तो मंडाला स्लम प्रोजेक्ट की चर्चा है और हर बार ये था कि ये डिपार्टमेंट करेगा वो डिपार्टमेंट करेगा बीएमसी करेंगे इसके बीच में माड़ा ने आकर सर्वेक्षण किया बीएमसी ने आकर सर्वेक्षण किया सभी ने एमएमआरडीए के लोग आके गए और केंद्र के अधिकारी भी हैं उन्होंने यहाँ टाटा इंस्टीट्यूट में सम्मेलन लिया इस मुद्दे पर और इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर पूरी चर्चा हुई बम्बई का कोई दूसरा पायलट प्रोजेक्ट उस समय से नहीं था सरकार के सामने आज भी मेरे ख्याल से नहीं है पर मुझे पता नहीं अभी तो इस पर चर्चा में ये कितने मिनट्स हमारे पास है 2013 जनवरी से 2013 मार्च तक ये सब होते होते हैं अभी ये प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बाजू में किया हम लोग इसलिए रुके रहे कि हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल है तो वो कानूनी तरीके से व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ आने दो वो अभी तक उस पर जवाब ही नहीं और यही बस्ती बराबर छूटी गई तो मतलब उल्टा ही हुआ ना